ये प्रतिमा सरदार पटेल के उसी प्रण प्रतिभा पुरुषार्थ और परमार्थ की भावना का ये जीता जागता प्रगटीकरण है। ये प्रतिमा उनके सामर्थ्य और समर्पण का सम्मान तो है ही, ये न्यू इंडिया नए भारत के नए आत्मविश्वास की भी अभिव्यक्ति है। ये प्रतिमा भारत के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को ये याद दिलाने के लिए है, शाश्वत रहेगा। ये देश भर के उन किसानों के स्वाभिमान का प्रतीक है जिनकी खेत की मिट्टी से और खेत के साजो सामान का लोहा इसकी मजबूत नींव बनी और हर चुनौती से टकराकर अन्न पैदा करने की उनकी भावना इसकी आत्मा बनी है। ये उन आदिवासी भाई बहनों के योगदान का स्मारक है जिन्होंने आजादी के आंदोलन से लेकर देश की विकास यात्रा में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। ये ऊंचाई, ये बुलंदी भारत के युवाओं को ये याद दिलाने के लिए है कि भविष्य का भारत आपकी आकांक्षाओं का है जो इतनी ही विराट है। इन आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य और मंत्र सिर्फ और सिर्फ एक ही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। साथियों, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये हमारे इंजीनियरिंग और तकनीकी सामर्थ्य का भी प्रतीक है। बीते करीब 3.5 वर्षों में हर रोज औसतन 2500 कामगारों ने, शिल्पकारों ने मिशन मोड पर काम किया है। कुछ समय के बाद जिनका सम्मान होने वाला है, 90 की आयु को पार कर चुके हैं, ऐसे देश के गणमान्य शिल्पकार श्रीमान राम सुतार जी की अगुवाई में देश के अद्भुत शिल्पकारों की टीम ने कला के इस गौरवशाली स्मारक को पूरा किया है। मन में मिशन की भावना, राष्ट्रीय एकता के प्रति समर्पण और भारत भक्ति का ही बल है जिसके कारण इतने कम समय में ये काम पूरा हो गया है। सरदार सरोवर डैम, उसका शिलान्यास कब हुआ और कितने दशकों के बाद उसका उद्घाटन हुआ, ये तो अपनी आंखों के सामने देखते देखते हो गया। इस महान कार्य से जुड़े हर कामगार, हर कारीगर, हर शिल्पकार, हर इंजीनियर, इसमें योगदान देने वाले हर किसी का मैं आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसके साथ जुड़े आप सभी का नाम भी
सरदार की इस प्रतिमा के साथ इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है।